हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश के बुक का चैप्टर 10, काठमांडू। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। तो मेरे को एक चीप का मतलब होता है सस्ता। तो ये कहते हैं राइटर कि मेरे को एक सस्ता सा रूम मिल गया था टाउन के जो शहर है उसके सेंटर में ही, और मैं वहाँ पर घंटों तक सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट टू टेम्पल्स इन काठमांडू। और अगले दिन मिस्टर शाह के सन के साथ और उनके नेफ्यू होता है भतीजा, तो मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ मैं काठमांडू के दो मंदिरों में गया, दैट आर मोस्ट सीक्रेट टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो कि मोस्ट सीक्रेट है। सीक्रेट का मतलब होता है पवित्र, जो सब काफ़ी ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं काठमांडू के वो दो मंदिर बुद्धिस्ट और हिंदुओं के द्वारा। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। तो पशुपतिनाथ जो है, जब ये गए तो वहाँ पर बाहर ही साइन लगा हुआ था कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही एंटर कर सकते हैं। देयर इज़ एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। तो वहाँ पर एक एटमोसफेयर था मतलब अजीब से कन्फ्यूजन का पूरे के पूरा वहाँ पर एटमोसफेयर था। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। तो वहाँ पर बहुत सारे प्रीस्ट, पंडित, हॉकर्स, जो वो सामान बेचने वाले लोग होते हैं ना, उनको हॉकर बोलते हैं। डिवोटीज होते हैं भक्त। टूरिस्ट, जो लोग घूमने आए होते, काउ, मंकी, पिजन, सारे के सारे जानवर इधर उधर ग्राउंड पर, सड़क पर घूम रहे थे। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ जो है वो ना ऑफर करना, वो चढ़ाना, हमने कुछ फूल चढ़ाए। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट टू द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। तो इतने ज़्यादा वर्शिपर्स थे, वर्शिपर्स होते हैं वो लोग जो पूजा करने के लिए आते हैं, कि सब लोग चाहते थे कि प्रीस्ट उनकी तरफ देखें, अपनी कोहनियों से कोहनी मार मार के अपनी एल्बो पुश कर करके दूसरों को हटा रहे थे। इस तरीके का पूरा सीन जो है बना हुआ था। अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। तो जब ये राइटर थे, जब वहाँ पर थे, तो नेपाल की प्रिंसेस, जो रॉयल हाउस की प्रिंसेस थी, वो वहाँ पर आ गई थी। एवरी वन बोज एंड मेक्स वे, हर किसी ने सर झुकाया। बो करने का मतलब होता है झुकना, और उनके लिए, प्रिंसेस के लिए रास्ता बना दिया। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। और मेन गेट से सेफ्रॉन क्लैड का मतलब यहाँ पे है कि सेफ्रॉन, जो गेरुआ रंग होता है, गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए कुछ फॉरनर्स इस तरह, मतलब ये स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई उनको परमिशन मिल जाए एंटर करने की। पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। तो पुलिसमैन जो वहाँ के गार्ड्स वगैरह थे, उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये जो गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए, ये गोरे हैं, मतलब जो भी हैं फॉरनर्स हैं, ये हिंदू हैं। तो और पशुपतिनाथ टेंपल में सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, तो उनको नहीं जाने दे रहे थे। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मॉन्कीज, वहीं पर दो बंदरों के बीच में लड़ाई हो गई। वन चेजेस द अदर हु जम्प्स ऑन टू शिवलिंग। तो एक दो बंदरों के बीच में लड़ाई हो गई, एक बंदर दूसरे को चेस कर रहा था, उसके पीछे भाग रहा था, और जो बंदर, एक बंदर उसमें से क्या हुआ, शिवलिंग पे उसने छड़ांग लगा दी। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल एंड डाउन द रिवर। और फिर उसके बाद वहाँ से वो रिवर के अंदर जंप कर गया, और कौन सी रिवर थी वो, बागमती रिवर थी। ये देखिए पशुपतिनाथ टेम्पल दिखा रखा है यहाँ पर, काठमांडू में जो है, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। फिर वो बंदर उसमें कूद गया था नदी में। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक। कॉप्स होता है मतलब जो मर जाते हैं ना, मरा हुआ जो शरीर होता है उसको कॉप्स बोलते हैं। तो जो डेड बॉडी होती है, शव, तो वो वहाँ पर क्रीमेट हो रहा था। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार जो होता है ना, उसको क्रीमेशन बोलते हैं। तो वहाँ पर क्रीमेशन हो रहा था, दाह संस्कार हो रहा था एक मतलब शव का। वॉशर वुमेन मतलब उस नदी के किनारे, वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। और वहाँ पर मतलब धोबने जो होते हैं, वॉशरमैन वगैरह, वो अपने कपड़े धो रहे थे, बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। फिर एक बालकनी में से, जैसे कि वो होते हैं ना जिसमें फूल होते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें जो सिलाई जाती है नदी में, वो ऊपर से कहीं से आकर के नदी में गिरी। A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. एक small सी shrine, जैसे कि एक छोटी थोड़ी बड़ी सी मूर्ति जो है, half
प्ले मतलब जैसे कि प्लेस ऑफ वर्शिप होते हैं, इस तरीके की श्राइन बनी होती है, वहाँ पे मूर्ति वगैरह होती है, वहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, पूजा वगैरह की जाती है। तो वहाँ पर एक मतलब पास में ही श्राइन भी थी, मूर्ति भी थी पूजा की। व्हेन इट एमर्जेस फुली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप एंड द ईवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ। फिर वो अंदर की तरफ धसी हुई है, जब वो पूरी ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो ऐसा माना जाता है जब वो गॉडेस ऊपर की तरफ पूरी आ जाएंगी, तो ये जो कलयुग का ये जो ईविल है, ये जो बुराइयां हैं पूरी दुनिया में, और ये जो कलयुग, ये कहते हैं ना कि हिंदू धर्म के हिसाब से चार युग होते हैं, तो सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता। तो सबसे पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है, फिर उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग में ऐसा माना जाता है सबसे ज़्यादा पापी लोग रहते हैं, तो ये कलयुग चल रहा है। और जब ये जो गॉडेस हैं, ये जब रिवर में से पूरी की पूरी ऊपर की तरफ इमर्ज होकर आ जाएंगी, तो इस धरती पर कलयुग ख़त्म हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। फिर आगे है एट द बौद्धनाथ स्तूप, फिर बौद्धनाथ स्तूप पे पहुँचते हैं ये। द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देयर इज़ इन कॉन्ट्रास्ट अ सीन ऑफ स्टिलनेस। तो मतलब अभी ये काठमांडू में मंदिर में थे, पशुपतिनाथ मंदिर, तो वहाँ पे हबड़ तबड़ सी थी हर तरफ, बट अब ये बौद्धनाथ स्तूप पे पहुँचे हैं। बुद्धिस्ट श्राइन है जो कि काठमांडू में है, मतलब वो इन कॉन्ट्रास्ट मंदिर से एकदम अलग है। वहाँ पे सेंस ऑफ स्टिलनेस है, ऐसा लगता है कि सब कुछ रुका सा हुआ है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंक्ड बाय अ रोड, वाइट कलर का डोम है और हर चारों तरफ उसके रोड है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, छोटी छोटी सी दुकानें इसके बाहर की तरफ खुली हुई हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन माइग्रेंट्स, और ये काफ़ी सारी दुकानें जो तिब्बत से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देश के होते हैं और एक दूसरे देश में, मतलब अपने देश से अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं, वो इमिग्रेंट्स होते हैं। तो तिब्बत से आए हुए इमिग्रेंट्स ने इस मंदिर के जो बुद्धिस्ट स्तूप था उसके आसपास की दुकानें उन लोगों ने ले रखी थी। वहां पे क्या क्या था, फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर, मतलब सिल्वर ज्वेलरी, तिब्बतन प्रिंट के बैग्स वगैरह यहाँ पर से इन दुकानों पे से खरीदे जा सकते थे। देर आर नो क्राउड्स, दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। वहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ नहीं थी, क्राउड नहीं था, ऐसा लग रहा था कि ये हेवन है, मतलब शांति का स्वर्ग है ना, वहाँ पे अच्छा पीसफुल लग रहा था। काठमांडू इज विविड मोसिनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर adored deities along the narrowest and busiest streets। काठमांडू क्या है, एक विविड है, विविड का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, चमकीला होता है। मोसनरी, मोसनरी होता है वेयर मनी कैन बी मेड, ऐसा जगह मोसनरी जहाँ पर पैसे कमाए जा सकते हैं। रिलीजियस जहाँ पे धार्मिक, और छोटी छोटी श्राइन्स, हर तरफ फ्लावर्स हैं, डेटीज, भगवान हैं, बहुत ही पतली पतली गलियों में जो हमेशा बिजी रहती हैं, ऐसी जगह पर काठमांडू स्थित है। फ्रूट सेलर्स, फ्रूट होते हैं फल, फ्रूट होती है वो बांसुरी, और हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स, चॉकलेट, कॉपर यूटेंसिल, नेपालीज एंटीक्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें काठमांडू में मिल सकती थी, जैसे कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स हो गए, फिल्म रोल, चॉकलेट, कॉपर के बर्तन, नेपाल के अपने जो कलाकारियाँ, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती थी। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउस लो क्वेश्चनिंगली एट मोटर साइकिल्स, वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स, वेंडर्स अपने मतलब पूरा का पूरा कुछ ना बाजार का माहौल जैसे हमारे देश में होता है, इस तरह से नेपाल में भी जैसे हमारे देश में बाजार का माहौल होता है, कहीं से गाए जा रही है, कहीं से हॉकर चिल्ला रहे हैं ये ले लो वो ले लो, गानों की आवाज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, तो यही सारी की सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन ये कर रहे हैं। ये बताते हैं आगे, ये देखें बुद्धनाथ स्तूप जो है, इसकी पिक्चर भी बुक में दी हुई है। फिर राइटर आके बताते हैं, आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ बार ऑफ मार्जिपन, अ कॉर्न ऑन द कॉप रोस्टेड इन द चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट। तो फिर कहते हैं कि इन्होंने क्या ख़रीदा, मार्जिपन, अ स्वीट मेड विद ग्रेटेड आमंड्स। तो जो बादाम होते हैं मार्जिपन, एक इन्होंने क्या करा, एक स्वीट खरीदी जिसमें काफ़ी सारे बादाम लगे हुए थे, स्वीट मतलब मिठाई खरीदी इन्होंने, और बाय अ मार्जिपन, अ कॉर्न
on the cob, roasted in the charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon. तो ये चीज़ें वो बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें खरीदी. तो brazier क्या होता है, एक open stove इन्होंने खरीदा जिस पर जो charcoal से चलता था, है ना. A couple of love story comics, और क्या खरीदा इन्होंने, अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, कुछ कॉमिक्स खरीदी, रीडर्स डाइजेस्ट जो मतलब कुछ पढ़ने की किताबें होती हैं जो एंटरटेनमेंट वाली, वो इन्होंने खरीदी. ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला एंड अ नॉजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट. फिर इन्होंने मतलब ऐसा बताते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें ली और जैसे कि वॉश डाउन कर दिया इन्होंने, एकदम से गिरा दिया, जैसे कि कोका कोला का नॉजिएटिंग ड्रिंक होता है, सिकनिंग, जो थोड़ा सा होता है ना, आलस सा ला देती है इस तरीके के ड्रिंक से, जैसे इन्होंने इसको पूरा जो इनका सामान था उसको इन्होंने भिगोजा दिया था. और एंड फील मच बेटर फॉर इट, और फिर इसके बाद ये सब करके इनको थोड़ा सा अच्छा भी लगा. आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम If I were propelled by enthusiasm for the travel per se, I would go by bus and train to Patna. फिर ये सोचने लगे कि हाँ तो घूम लिया, आप किस तरीके से वापस जाया जाए. तो इन्होंने सोचा कि अगर मुझे और enthusiasm है, और ज़्यादा इच्छा है घूमने फिरने की, तो किससे जाना चाहिए, बस से या फिर ट्रेन से जाना चाहिए पटना को. Then sail up the Ganges past Banaras to Allahabad. फिर उसके बाद गंगा को सेल करते हुए जो बनारस और अलाहाबाद की तरफ को निकलती है उस पर जाना चाहिए. Then अब द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर उसके बाद यमुना जो कि जा रही है जो आगरा और दिल्ली की तरफ को बहती है, तो मतलब पटना, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद वगैरह ये जाने के बारे में भी सोच रहे थे. बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होमसिक, पहले सोच रहे थे घूम लूँ, फिर कहते हैं कि काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक गए हैं और होमसिक हैं, अब घर की भी याद आ रही है. टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का आखिरी दिन है. गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड होम, आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज़ फ्लाइट. फिर पहले मैं सोचा था यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ, बट फिर मैंने खुद से कहा अगस्त का आखिरी दिन है और होमसिक भी फील कर रहा था, घर जाने का मन कर रहा था, तो मैं नेपाल की एयरलाइंस में गया और अगले दिन का मैंने टिकट वहाँ से ख़रीद लिया. I look at the flute seller standing in the corner of square near the hotel. मैंने फ्लूट सेलर की तरफ देखा, फ्लूट जो बेच रहा था, जो कि कोने में खड़ा हुआ था, एक होटल के किनारे के बिल्कुल कोने पे वो खड़ा हुआ था. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज protrude in all direction. उसके हाथ में जैसे एक पोल जैसा था जो कि उसके टॉप से चिपका, मतलब उसके हाथ में जैसे आप समझिए थैला जैसा था जिसमें से काफ़ी सारी बांसुरी निकल रही थी जो कि हर डायरेक्शन में थी. लाइक द क्विल्स ऑफ द पॉर्क्यूपाइन, जैसे पॉर्क्यूपाइन होता है ना, पॉर्क्यूपाइन के ऊपर कांटे होते हैं ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से हर डायरेक्शन में उस हॉकर जो था वो फ्लूट सेलर उसकी बांसुरियाँ निकली हुई थी. दे आर ऑफ बेम्बू, और वो बांसुरियाँ किसकी थी, बेम्बू की. देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, क्रॉस फ्लूट्स भी थी, रिकॉर्डर्स भी थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट. फिर जो पोल था ना, जो डंडा था जिसमें हर तरफ से बांसुरियाँ निकली हुई थी, उसमें से टाइम टू टाइम वो फ्लूट सेलर कोई बांसुरी निकालता और बजाने लगता था कुछ मिनट के लिए. द साउंड रेजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज. ही प्लेस स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स. फिर वो मतलब जैसे कि एक टाइम पे तो ऐसा हो रहा था कि काफ़ी तेज़ की ट्रैफिक वगैरह की जो आवाज़ें हैं वो फ्लूट की आवाज़ उनसे भी ऊँची हो जा रही थी, फिर वो धीरे उसको धीरे करते रहा था, इस तरीके से वो फ्लूट मतलब बजा रहा था. ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, उसकी मतलब बिक्री भी हो जाती थी ओकेजनली, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज. समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर. फिर मतलब बीच बीच में उसकी बिक्री भी हो जाती थी, फिर बीच बीच में वो रुक जाता था, फ्रूट सेलर से बात कर लेता था. आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और राइटर कहते हैं कि मेरे को लगता है कि ये इसकी लाइफ का अब पूरा का पूरा पैटर्न बन चुका है, फ्लूट बजाना, थोड़ी बहुत बेचारे की फ्रूट्स बिक जाती हैं वरना ओकेजनली नहीं बिकती हैं, फिर वो इधर उधर जो फ्रूट सेलर वगैरह उनसे बात कर लेता है, यही उसका पूरा लाइफ स्टाइल है. I find it difficult to tear myself away from the square. और मतलब square होता है जैसे कि किनारा होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह लगती है ना, उसको square बोलते हैं.
वे कहते हैं कि मैं खुद को मतलब वहाँ से जाने का एक तरह से मेरा मन नहीं कर रहा था. फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, और फ्लूट का जो म्यूज़िक है वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है. इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स. मतलब इससे हमें पता लगता है कि जो ऑथर हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद है फ्लूट्स सुनना, मतलब बांसुरी की आवाज़ इनको काफ़ी पसंद है. ये कहते हैं कि मोस्ट यूनिवर्सल मोस्ट पर्टिकुलर साउंड है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है. देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट. द रीड ने द रिकॉर्डर जैपनीज शाकुची द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक द क्लियर और ब्रेदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका. फिर ये कहते हैं कि जो बांसुरी है वो दुनिया के हर कल्चर में है. ऐसा दुनिया का कोई कल्चर नहीं है जहाँ पर बांसुरी ना रही हो. तो बस उनके नाम अलग अलग हैं, जैसे कि नी कहते हैं फ्लूट को, रीट नी कहते हैं रिकॉर्डर जापनीज में, इसको शाकुहाची कहते हैं, और बांसुरी हिंदुस्तान में, और ब्रेदी काफ़ी बड़ी बड़ी सी फ्लूट्स होती हैं जो कि साउथ अमेरिका में होते हैं. तो दुनिया के हर हिस्से में फ्लूट्स जो हैं बजाने वाले लोग मिल जाते हैं और फ्लूट्स मिल जाती हैं. फिर आगे बताते हैं द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स, हाई पिच्ड वाली चाइनीज़ फ्लूट्स भी होती हैं, फ्लूट्स होती हैं बांसुरी. ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास. हर किसी का अपनी अलग अलग उंगलियां चलाने का स्टाइल और अलग अलग कंपास होता है. इट वीव्स इट्स ओन ओकेजन्स. येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इन टू कॉमनैलिटी ऑफ ऑन मैनकाइंड. फिर कहते हैं कि अलग अलग होती हैं फ्लूट्स, मगर जब भी हम उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो मैनकाइंड है, जो हमारी ह्यूमन है, हम ह्यूमंस हैं, हम किस तरीके से जुड़े हुए हैं चीज़ों से. टू बी मूव बाई म्यूज़िक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज टू द ह्यूमन वॉइस. फिर वही है कि ह्यूमन वॉइस और हम लोग इंसान एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये हमें इस फ्लूट के म्यूज़िक से भी समझ आ सकता है. इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रेथ. इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो. फिर ये फ्लूट इंसान से कैसे जुड़ी हुई है कि इंसान को भी जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है. हम सांस लेते हैं, फिर हम रुकते हैं, फिर सांस लेते हैं. इसी तरीके से जो फ्लूट है वो भी बचाई जाती है. मतलब हमारा जो मोटिव फोर्स है, हम में जो फोर्स है वो भी क्या है, सांस है. और फ्लूट में जो फोर्स है वो भी क्या है, सांस है. तो ये इंसान की ज़िंदगी को और फ्लूट को यहाँ पे राइटर कंपेयर कर रहे हैं. दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स दैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड. आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम. तो मतलब इसमें यही है फ्लूट के बारे में बताने आगे कि दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई फ्यू फेमिलियर फ्रेजेज ऑन द बांसुरी. फिर मेरे को नहीं पता था कि मतलब फेमिलियर फ्रेजेज जो एक जैसी लगने वाली हमारे, जो मैंने पहले सुनी है, जो मैं अब सुन रहा हूँ, ये जो एक जैसी लगने वाली फ्रेजेज हैं, जो एक तरह से गीत है या धुन है, वो मेरे को इतना अफेक्ट कर सकती है. पहले इसने मुझे सरप्राइज़ किया पहली बार में कि मैंने प्रीवियस ओकेजन में भी ये सब कहाँ सुनी है. दैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड. फिर फील करते हैं कि इतने टाइम बाद ये इनको ऐसा लगता है कि बहुत ही अब्रॉड में रहने के बाद, घर के बाहर रहने के बाद, जैसे बहुत टाइम बाद ये घर आए हों. आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स. मैंने पहले इतनी डिटेल्स कभी नोटिस नहीं की थी. एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू. और पहले कहते हैं कि पहले कभी इन्होंने इतना ध्यान से नहीं सुना था फ्लूट को, या फिर इतना सिमिलैरिटी इन्होंने नहीं बनाई थी जहाँ पर इन्होंने इतनी सारी सिमिलैरिटी अब बनाई है. मतलब आधे चैप्टर में तो इन्होंने क्या किया, दो जगहों के बारे में बताया, पशुपतिनाथ के बारे में और जो बुद्धिस्ट स्तूप पे गए थे, और फिर बाकी के आधे चैप्टर में इन्होंने फ्लूट के बारे में बता दिया. तो बेसिकली यही है कि ये फैसिनेट हो रहे हैं कि किस तरीके से जो फ्लूट सेलर है वो फ्लूट पे प्ले कर रहा है, और अलग अलग सेलर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं. और ये जो विक्रम सेठ हैं इस कहानी के, जो स्टोरी है इसके राइटर, कि हर कल्चर में किस तरीके से फ्लूट का यूज़ होता है, हमारा कॉमन बॉन्ड कैसे है फ्लूट से और एक इंसान का, और हर कल्चर का एक दूसरे से किस तरीके से एक कल्चर दूसरे कल्चर से जुड़े हुआ है, इंसानियत कैसे जुड़ी हुई है. और फिर राइटर एडमिट करते हैं इसको कि मतलब इमेंस लव फॉर द म्यूज़िक ऑफ फ्लूट्स, कि उनको फ्लूट्स का म्यूज़िक, उनको बांसुरी का जो म्यूज़िक है वो कितना ज़्यादा पसंद है. बस इसमें यही कुछ चीज़ें हैं. तो काफ़ी थोड़ा मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था, कोई चीज़ों में लिंक नहीं था, बट ठीक है, ऐसे चैप्टर्स तो होते ही हैं. जैसे आप लोगों का 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा
द मॉनसून डायरी, उसमें भी इसी तरीके की चीज़ें थी, कुछ 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 ऐसे ही कुछ इसमें है। तो हो गया चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो आपको बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।